बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग चैप्टर फोर, जनरल साइंस, 7 क्लास। दिस चैप्टर इज अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड दैट लाइक एनिमल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉट देयर इन प्लांट्स, बट इवन देन प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। They need required substances, and they are to expel their waste substances outside their bodies. For this purpose, plants have two separate transport systems that we discuss: xylem and phloem. The xylem transport system, or second one, phloem transport system, जो है ये हमने discuss किए। आज हमारा जो next topic होगा That is there about the entry of water. कि water कैसे enter होता है plants के अंदर। ऐसे पीछे ये सारे चीजें हम discuss कर चुके हैं, किसी बच्चे का question है तो पूछ सकते हैं। Water enters the plant. Like at the very tip of a root, several layers of cells which form the root cap. फिर root का जो end होता है, root की जो tip है, वहां पे रूट कैप बनती है। सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं जो कि रूट कैप बनाती हैं, और रूट कैप का काम क्या होता है बताया कि दीज सेल्स आर रिप्लेस एज फॉर्स एज दे आर वॉर्न अवे। कि ये जो सेल्स हैं ना रूट कैप के, ये वॉर्न होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। एज द रूट टिप पुशेस इट्स वे थ्रू द सॉयल, रूट टिप का बड़े काम यही है कि सॉयल के अंदर इसने पुश करके जाना है, इसने रूट का रास्ता बनाना है, यूं समझ लें रूट को डायरेक्ट करना है। तो इसके सेल्स डैमेज होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। जस्ट बिहाइंड द रूट कैप, यस मी सर, आप स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट स्टेम और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट रूट दोबारा समझा सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड रूट। हाँ जी बेटे, स्ट्रक्चर सेल की तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट रूट कैप के बारे में अभी बात की है। आज के लेक्चर की बात की आपने, ये कोई पिछला क्वेश्चन है। ओके सर। बेटे मैंने सिर्फ रूट कैप का बताया कि व्हाट इज रूट कैप, कि जो रूट्स हैं, हर रूट की टिप पे लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जो कि रूट कैप बनाती हैं, और रूट कैप ने सॉइल के थ्रू पुश करके आगे जाना होता है, रूट का रास्ता बनाना है। तो ये जो रूट कैप के सेल्स हैं, ये डैमेज होते रहते हैं, और जिस कदर ये डैमेज होते हैं उसी स्पीड से ये बनते भी रहते हैं। तो जस्ट बिहाइंड द रूट कैप से पीछे वाला हिस्सा जो होता है, वहां पे बैठे थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ट्यूब लाइक ग्रोथ्स होती हैं, जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। ठीक है, ट्यूब लाइक ग्रोथ्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है। और रूट हेयर्स ये एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस होती हैं। पूरा रूट हेयर जो होता है ये एपिडर्मस के सेल का हिस्सा होता है। ठीक है, ये एक ही सेल है, आप स्पेशलाइज सेल्स में भी इनको पढ़ चुके हैं पहले। तो रूट हेयर जो है वो पूरा रूट हेयर वो एपिडर्मल सेल का हिस्सा है, उसकी एक्सटेंशन है। और उसके लॉन्ग होने का फायदा क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसे नेक्स्ट बताया आपको कि इन द सॉयल रूट हेयर्स ग्रो बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स, सॉयल पार्टिकल्स के दरमियान ये ग्रो करते जाते हैं। रूट हेयर्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉयल, ये इनका काम है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए रूट हेयर जो है ये जमीन से, सॉयल से वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। द वाटर इन द सॉयल इज इन फैक्ट अ वेरी वीक सोल्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। वीक सोल्यूशन मीन के वो डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, वाटर जो सॉइल के अंदर है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है मिनरल सॉल्ट्स का। इन साइड ईच ऑफ द रूट हेयर सेल्स देर इज अ कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर्स। अब देखो रूट हेयर सेल के अंदर क्या है, शुगर्स का कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसमें मिनरल सॉल्ट्स भी हैं और अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, पानी बाहर से अंदर को आएगा। आपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है पहले समझा था कि ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है,
molecules of a substance from higher region towards a higher region of from a region of higher concentration towards the region of lower concentration move karte hain. अब वाटर की कंसेंट्रेशन रूट हेयर के बाहर जो पानी है उसमें ज्यादा है और जो रूट हेयर के अंदर का सैप है सेल का उसमें पानी की कंसेंट्रेशन कम है, लिहाजा पानी बाहर से अंदर को आएगा, रूट हेयर के अंदर आएगा और ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है. तो बताया कि दिस सॉल्यूशन मेक्स अप व्हाट इज कॉल्ड द सेल सैप. सेल सैप क्या है? वो सॉल्यूशन जो सेल के अंदर है, ठीक है, सेल के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर का जो सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है, शुगर्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स हैं और अदर सब्सटेंसेस हैं, इसे कहते हैं सेल सैप. सेल मेम्ब्रेन अराउंड ईच प्लांट सेल जो है इट हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर विद मेनी टाइनी होल्स इन इट. जो सेल मेम्ब्रेन होती है अराउंड प्लांट सेल्स, बड़ी उसकी स्ट्रक्चर स्पेशल होती है जिसमें कि बारीक बारीक सुराख होते हैं. अब ये जो सुराख होते हैं, these holes are big enough to let water molecules through, though larger molecules or mineral salts are unable to pass. बताया कि इन molecules का साइज इतना होता है कि पानी के molecules easily enter हो सकते हैं root hair cells में, लेकिन जो minerals हैं, minerals के molecules साइज में बड़े होने की वजह से वो नहीं enter हो पाते. mineral salts जो हैं, जो नमकियात वगैरह हैं, उनके मॉलिक्यूल्स नहीं एंटर हो पाते. तो मेम्ब्रेन्स लाइक दिस जो है, इस तरह की जो मेम्ब्रेन है विच विल लेट सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट नॉट अदर्स, इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सच अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू व्हाइल रिटार्ड्स द पैसेज ऑफ और एंट्री ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अंदर आने देती है, बाकियों को नहीं आने देती, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. अफसर फैसल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? इमान शर्जील, आप बताएं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? So the membrane that allows some molecules to pass through it but not others. Yes. Aise membrane jo kuch molecules ko to pass hone de, baakiyon ko na enter hone de, jaise mineral salts hain, bade molecules hain, wo nahi enter ho pate, aise membrane semi permeable membrane kehlati hai jo har plant cell ke bahar pai jati hai. Kisi bacche ka koi question hai jo cheezein padhi hain se related? If you think of one root hair, sir? Yes. You can ask. Sir, upar tha ki there are in the cells there are water, sugar, minerals, or then other substances. So sir, ye other substances kya hai? Kaun se substances hain? Bete minerals hi hote hain. Ye sare jo hain different types ke minerals hi hote hain. Kyunki pani hai ya sugars hain. Sugars to wo hain jo ke plants ke andar jo hai wo bani hain. और जो अदर सब्सटेंसेस यहाँ पे आपको सेल सैप के अंदर बताया जा रहा है, ये याद रखें कि जो प्रोटीन्स बनती है ना, प्रोटीन्स जो बनती हैं मिनरल्स और ग्लूकोज को आपस में मिलाकर पौधे जो प्रोटीन्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं, तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम अदर सब्सटेंसेस ही कह देंगे कलेक्टिवली. क्योंकि तो कुछ के तो नाम बता दिए ना, वाटर का बता दिया, मिनरल सॉल्ट्स का बता दिया, तो इसके अलावा अदर सब्सटेंसेस क्या हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस हैं, फैट्स वगैरह हैं जो पौधों के अंदर बने हैं, वो भी सारे सेल सैप में मौजूद होते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? ऐसे बताया कि इफ यू थिंक ऑफ वन रूट हेयर ग्रोइंग बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, इट्स सेल सैप इज स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन देन दैट ऑफ सॉइल वाटर. कि आप किसी एक रूट हेयर को लेती हैं जो कि सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान ग्रो कर रहा है, तो उस रूट हेयर के अंदर जो सेल सैप है वो स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू सॉइल वाटर. कि सॉइल वाटर के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो डाइल्यूट हैं, जबकि जो सैप है वो कंसंट्रेटेड है. कंपेरेटिव कंसंट्रेशन आपको बताई गई
कि जो सेल सैप है रूट हेयर के अंदर वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, जिसको कहा कि स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन एज कम्पेयर टू सॉयल वाटर जो कि डाइल्यूट है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, पानी बाहर से रूट हेयर के अंदर आएगा। देखो लिखा ना कि वाटर फ्रॉम द सॉयल गोज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड इनटू द सेल सैप बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर एंटर होगा रूट हेयर्स के अंदर अंटिल द सेल सैप एंड द सॉयल वाटर आर एट द सेम कंसेंट्रेशन। ये एंट्री वाटर की उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगी जब तक दोनों साइड्स की कंसेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। मिनरल साल्ट्स इन द सॉयल सॉल्यूशन आर लेफ्ट बिहाइंड। जो मिनरल साल्ट्स थे वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर आपको बताया गया कि मिनरल साल्ट्स खासतौर पे जो बड़े साइज के होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से नहीं पास हो सकते। तो सेल सैप ऑफ आवर रूट हेयर नाउ हैज अ लोअर कंसेंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल नेक्स्ट टू इट। अब ये रूट हेयर सेल के अंदर की बात हो रही है कि रूट हेयर सेल में पानी आ चुका है। अब ये रूट हेयर जिसमें पानी एंटर हुआ है इसका सैप डाइल्यूट हो गया और जो इससे आगे वाला सेल है, अब यहीं से देख लें ये डायग्राम में आपको जो शो किया गया, ये रूट हेयर था ठीक है, ये एपिडर्मस है, एपिडर्मस सेल की ये एक्सटेंशन है। और सर ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेटे डिफ्यूजन का आपको पता है? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी जो ऑस्मोसिस की टर्म है ये वाटर के लिए यूज होती है, पानी का ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना मेम्ब्रेन में से, इसमें मेम्ब्रेन का होना मस्ट है, मेम्ब्रेन के अंदर से मूवमेंट। तो ये आपको पाथवे जो बताया जा रहा है कि एक सेल जो रूट का था फर्ज है पर उसमें पानी एंटर होने से ये सैप डाइल्यूट हो गया, जो इससे आगे वाला सेल है वो कंसंट्रेटेड है, उसका सैप कंसंट्रेटेड है। तो फिर क्या रिजल्ट होगा, इस पहले सेल से पानी अगले सेल में जाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर उससे आगे वाला कंसंट्रेटेड है तो पानी उसमें चला जाएगा। तो सेल टू सेल वाटर यूं मूव करता जाएगा ऑस्मोसिस के जरिए। ये देखिए आपको ये चीज यहां बताई गई थी कि द सेल सैप ऑफ आवर रूट हेयर नाउ हैज अ लोअर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सेल नेक्स्ट टू इट। रूट हेयर सेल का जो सैप है अब ये डाइल्यूट हो गया, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी पानी आने से एज कंपेयर टू द सेल जो कि इससे आगे है नेक्स्ट टू इट। तो फिर क्या होगा, वाटर देयरफॉर पासेस फ्रॉम दिस रूट हेयर टू द नेबरिंग सेल। अब रूट हेयर से जो आगे नेबरिंग सेल था, करीब वाला सेल था, उसमें पानी चला गया अंटिल बोथ हैव सेल्स हैव ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। कितना पानी जाएगा, ये पानी मूव करता रहेगा अंटिल के दोनों सेल्स की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। This continues until the water has reached the xylem vessels. अब देखें xylem vessels ही आगे हैं, ये आगे xylem vessels show की हैं। तो ये process जो है movement of water का osmosis के लिए continue रहेगा और चलते चलते ये पानी xylem vessels में enter हो जाएगा। Xylem vessels कौन से, जो root के थे। और जब root के xylem vessels में पानी enter हो जाएगा तो root के xylem vessels stem के xylem के साथ connected होते हैं, स्टेम के जाइलम जो है वो लीव्स के जाइलम से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से ये पानी जो रूट हेयर ने अब्सॉर्ब किया था ये रूट के जाइलम फिर स्टेम के जाइलम से होता हुआ लीव्स के जाइलम में पहुंच गया और वहां ये यूज होगा मेसोफिल सेल्स के अंदर फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ जी बेटे क्लियर है ये चीजें? यस एक्सक्यूज मी सर। यस आपने टेंडस ले ली मिनरल सॉर्ट्स एंटर द रूट्स। अब हमने मिनरल सॉर्ट्स की एंट्री देखनी है कि रूट्स में कैसे होती है। सम मिनरल सॉर्ट्स एंटर द रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के जरिए। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है सर? हायर मूवमेंट फ्रॉम लोअर मूवमेंट एंड आर इवेंचुअली कैरीड अप द जाइलम।
आखिरकार जो है वो xylem vessels में पहुंच जाते हैं. Diffusion is the spreading out of a substance from an area of high concentration to the area of low concentration. High concentration से low concentration की तरफ spread होना, move करना किसी भी चीज का. जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप कमरे के एक कॉर्नर में अगर स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करें, तो उसका क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाता है, पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाता है. इसलिए इसको कहा कि डिफ्यूजन क्या है, वो डिफ्यूजन थी. तो डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन. एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बाउल ऑफ वाटर, कि आपके पास पानी का एक बाउल है, उसके अंदर इंक का सिर्फ एक कतरा गिरा दें विदाउट शेकिंग. आपने शेक नहीं करना, स्टीरिंग नहीं करनी, हिलाना नहीं है. स्टीरिंग और शेकिंग में क्या फर्क है? क्या चीज स्टीरिंग और शेकिंग में क्या फर्क है? उन्होंने कहा कि बाउल ऑफ ग्लास, बाउल ऑफ वाटर है, उसमें इंक इंक का ड्रॉप गिराया है, पूरी बोतल शेक करते हैं, हम जिस बर्तन में कोई लिक्विड है उस बर्तन को पकड़ कर जो हिलाते हैं वो शेकिंग है. ठीक है, ये सही है. बर्तन को पकड़ कर जो हिलाना है वो शेकिंग है. और स्टीरिंग क्या होती है, अगर कोई चीज जैसा स्पून के साथ या कोई रॉड वगैरह जो है वो लिक्विड के अंदर मूव करते हैं, बर्तन को नहीं हिलाते बल्कि किसी चीज के साथ लिक्विड को जो है वो अंदर मूव करते हैं, लिक्विड के अंदर कोई चीज मूव करते हैं, जैसे स्पून के साथ आप शुगर को डिसॉल्व करें ग्लास के अंदर, तो ये स्टीरिंग है और वो स्पून कहलाएगा स्टीरर. तो बताया कि आपने स्टीरिंग नहीं करनी, शेकिंग भी नहीं करनी. इंक को इंक का ड्रॉप गिराने के बाद आप देखेंगे कि इंक जो है इट विल स्प्रेड आउट और डिफ्यूज थ्रू द वाटर. वो जो इंक का ड्रॉप होगा वो पूरे पानी में स्प्रेड हो जाएगा. तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है. इवेंचुअली क्या होगा कि द बाउल विल कंटेन अ यूनिफॉर्मली पेल ब्लू और पेल ब्लैक मिक्सचर. पर डिपेंड करेगा कि किस कलर की इंक का कतरा था जो आपने गिराया, तो वो कलर पूरे बीकर के अंदर या पूरे बाउल के अंदर स्प्रेड हो जाएगा. यस, ब्लैक मिक्सचर क्या है बेटे? जो इंक आपने गिराई है पानी के अंदर, अगर वो ब्लैक थी तो ब्लैक कलर स्प्रेड होगा, अगर ब्लू थी तो ब्लू होगा, जो भी उसका कलर होगा. ठीक है, उन्होंने एग्जांपल दिए ना कि पानी का बाउल लेना है, उसके अंदर इंक का ड्रॉप आपने गिराना है, तो वो इंक स्प्रेड हो जाएगी. इफ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इनटू अ स्विमिंग पूल, आप कहा कि बजाय बाउल के आप स्विमिंग पूल के अंदर ड्रॉप ऑफ इंक गिरा दें, तो फिर क्या होगा? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम द सेम थिंग विल हैपन. अब ज्यादा टाइम क्यों लगा? क्योंकि स्विमिंग पूल का जो पानी है उसका वॉल्यूम ज्यादा था, इसलिए ज्यादा टाइम लगा. वो कलर पूरे स्विमिंग पूल में स्प्रेड हो जाएगा. तो ये दे अभी जो पढ़ रहे हैं ये सारी डिफ्यूजन है. लाइक ऑस्मोसिस डिफ्यूजन डज नॉट नीड एनर्जी, क्योंकि ये होती है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसे कहते हैं? हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट. तो डिफ्यूजन भी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है मूवमेंट, और ऑस्मोसिस भी. फर्क इन दोनों में क्या है? ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना मस्ट है, बाकी फर्क नहीं है. सम ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स इन द सॉइल एंटर द प्लांट रूट्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि जब पानी डिफ्यूज हो रहा होता है ऑस्मोसिस के जरिए, जब पानी रूट हेयर में एंटर होता है, तो कुछ मिनरल सॉल्ट्स तो इसी उसी पानी के साथ ही जो है वो अंदर चले जाते हैं. अदर मिनरल सॉल्ट्स एंटर द रूट्स बाय व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जो बाकी मिनरल सॉल्ट्स हैं, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है सैप के अंदर, तो वो बाहर थोड़ी कंसंट्रेशन होने की वजह से वो खुद ब खुद अंदर नहीं आ सकते. इवन के सेल मेम्ब्रेन जो है, Can you repeat this line? आप जो बता रहे थे. अरे इस लाइन के अंदर ये बताया गया आपको कि जो बाकी मिनरल सॉल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रूट्स में एंटर होंगे. कुछ मिनरल सॉल्ट तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही पानी के अंदर डिसॉल्व थे और रूट में अब्सॉर्ब हो गए. जो बाकी मिनरल सॉल्ट्स हैं वो खुद ब खुद एंटर नहीं हो सकते, बल्कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के जरिए वो एंटर होंगे.
अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या है, एनर्जी कंज्यूम होती है इस प्रोसेस में, ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन मूव करवाए जाते हैं विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी यूज करनी पड़ती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, सेल्स के अंदर, रूट्स के जो सेल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी यूज होती है। और आपको जिस तरह बताया गया था ना कि पानी मुसलसल नहीं भरा रहना चाहिए, रूट्स मुसलसल पानी में डिप नहीं रहनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके रूट्स को, रेस्पिरेशन वो कर सकें और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, तो इसलिए भी वो जरूरी है कि रूट्स जो हैं उनको मुसलसल पानी से कवर ना रखें, अदरवाइज मिनरल्स अब्सॉर्ब नहीं हो सकेंगे। हाँ जी, आपको नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इफ डिफ्यूजन वर द ओनली मेथड बाय विच द सेल को टेक सब्सटेंसेस, टेक इन सब्सटेंसेस, कि अगर डिफ्यूजन ही एक ही प्रोसेस होता कि जिसके जरिए सब्सटेंसेस पौधा ले सकता, इट वुड हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट वेंट इनटू और आउट ऑफ इट, तो कौन सी चीज अंदर आती है कौन सी बाहर जाती है, पौधे का इसके ऊपर कोई कंट्रोल ना होता, क्योंकि डिफ्यूजन तो जस्ट स्प्रेडिंग है मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह, एनीथिंग दैट वॉज मोर कंसेंट्रेटेड आउटसाइड कुड डिफ्यूज इनटू द सेल, क्योंकि डिफ्यूजन की तो एक ही कंडीशन है कि ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें मूव कर जाती हैं, और ये मूवमेंट उस वक्त तक कंटिन्यू रहती है जब तक दोनों साइड्स की कंसेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो कहा कि अगर सिर्फ डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होता तो फिर कोई भी चीज जो बाहर सेल्स के बाहर रूट्स के बाहर जो है ज्यादा कंसेंट्रेशन में थी वो डिफ्यूज करके सेल्स के अंदर आ जाती, वेदर इट वॉज हार्मफुल और इट वॉज नॉट हार्मफुल, बेशक वो कोई हार्मफुल भी होती। यस, एनी क्वेश्चन? मैंने बताया कि कोई भी चीज जो बाहर थी रूट्स के बाहर वो बेशक हार्मफुल थी बेशक वो यूजफुल थी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो चीज एंटर हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर, ये बेटा पूछे, बेटे पूछने को बात पूछनी है तो टाइम वेस्ट हो रहा है, बाद में पूछ लें आप, फिर ठहर जाएं, अभी कोई माइक का इशू है। साइंटिस्ट डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बताया कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है इसको साइंटिस्ट फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सके, बट इट सीम्स सर्टन दैट द सेल हैज टू यूज एनर्जी। मेरे साइंटिस्ट का बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसी होती है, साइंटिस्ट इसको फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बट इट सीम्स सर्टन कि सेल हैज टू यूज एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन टू मूव मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, कहा कि ये बात तो यकीनी है कि सेल्स को एनर्जी यूज करनी पड़ती है जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ यूज करनी पड़ती है, टू मूव मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से मिनरल सॉल्ट्स को मूव करने के लिए, where they are in lower concentration across the cell membrane, के soil के अंदर वो थोड़ी concentration में है तो वहां से cell membrane के अंदर move करने पड़ते हैं ये salts जहां concentration ज्यादा होती है। The special proteins जो कि enzymes हैं, they are also involved in active transport. इस active transport के process में special proteins होती हैं जो कि enzymes कहलाते हैं, वो involved होते हैं। तो as a result of the processes of osmosis and diffusion, वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स हैं इन द रूट्स, दे मूव फ्रॉम सेल टू सेल अंटिल दे रीच द जाइलम, ठीक है, रूट हेयर के अंदर अब्सॉर्ब हुए, फिर उससे आगे वाले सेल में चले गए, फिर उससे आगे वाले, तो सेल टू सेल चलते चलते वो रूट के जाइलम में पहुंच जाते हैं। द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स देन ट्रेवल अप द जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स एंड लीफ वेन्स, ये वेन्स क्या है, जाइलम वेसल्स को ही वेन्स कह रहे हैं, कि रूट के जाइलम वेसल्स में जब ये मिनरल सॉल्ट्स आ जाएंगे या वाटर भी आ गया है तो वहां से फिर स्टेम के जाइलम में ये चीजें पहुंचेंगी और वहां से ऊपर ट्रेवल करती हुई लीव्स के जाइलम में पहुंच जाएंगे।
हाँ जी बेटा, क्लियर है ये चीजें? स्टूडेंट्स मेरी आवाज सही आ रही है? ओके सर। ओके बेटा, देख ये देखें, ये सॉइल के पार्टिकल शो किए, इसके दरमियान जो है, इनके दरमियान रूट हेयर शो किया है, और रूट हेयर एपिडर्मा सेल की एक्सटेंशन थी। उसके बाद रूट हेयर से अंदर वाले सेल्स में देखें, सेल टू सेल ये मूवमेंट कंटिन्यू है अंटिल के ये जाइलम वेसल के अंदर पहुंच गए, मिनरल्स भी और वाटर भी, और रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम और लीव्स के जाइलम में पहुंचे। नेक्स्ट बेटे है ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स दे मूव वेरी क्विकली थ्रू जाइलम एंड अप द स्टेम एंड लीव्स। बताया कि जो वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, ये रूट्स से तेजी से ऊपर को जाते हैं जाइलम वेसल्स के अंदर से, और वो जाइलम वेसल चूंकि स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड हैं और लीव्स के जाइलम से, तो लीव्स के जाइलम तक ये सब्सटेंसेस पहुंच जाते हैं। द मेन फोर्स विच ड्रॉज वाटर अप द प्लांट इट इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अगर पूछा जाए कि कौन सी फोर्स है जो पानी को ऊपर खींच कर ले जाती है, तो वो ट्रांसपायरेशन है। अगर हम ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करें तो हम कहेंगे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एस्पेशली थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। एरियल पार्ट्स कौन से? जो हवा में है। यस, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? व्हाट इज स्टोमेटा? बारीक बारीक सुराख होते हैं जो लीव्स की एपिडर्मस के अंदर होते हैं, लोअर एपिडर्मस में भी और अपर एपिडर्मस में भी, लेकिन लोअर एपिडर्मस में ज्यादा होते हैं। इन सुराखों के जरिए पानी जो है वो लीव्स में से बाहर खारिज होता है। तो एरियल पार्ट्स, पौधे के एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो हवा में होते हैं, यानी जमीन से जो बाहर पौधे का हिस्सा है उसको हम एरियल पार्ट कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन को मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एस्पेशली थ्रू स्टोमेटा, एस्पेशली थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। हाँ जी, ट्रांसपायरेशन क्लियर है? यस सर। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द टाइनी पोर्स द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये प्लूरल है, स्टोमा सिंगुलर होता है, STOMA, स्टोमा जो है वो सिंगुलर होता है। कि स्टोमेटा के रास्ते पानी बाहर निकलता जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, लीव्स की जो लोअर सरफेस है इसमें होते हैं, और ज्यादा इसमें होते हैं, होते ऊपर वाली एपिडर्मस में भी हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है टॉप लेयर वैक्सी लेयर क्यूटिकल होती है, ताकि एक्सेसिव जो लॉस ऑफ वाटर है उसको अवॉइड किया जा सके। एज द वाटर इज इवेपोरेटेड मोर इज ड्रॉन आउट ऑफ द जाइलम टू रिप्लेस इट। जैसे ही स्टोमेटा के रास्ते पानी खारिज होता है तो लीव्स के जाइलम के अंदर से पानी जो है वो बाहर निकलता है, और जब लीव्स के जाइलम से पानी निकलता है तो स्टेम के जाइलम का पानी ऊपर उस कमी को पूरा करता है जो लीव्स के जाइलम में कमी हुई थी, और जो स्टेम के जाइलम में फिर कमी होती है उसको रूट्स के जाइलम का पानी फिल करेगा, पूरा करेगा। तो रूट्स के जाइलम में जो कमी होगी वो सॉइल से मजीद पानी की अब्सॉर्प्शन से पूरी होती है। तो इस तरह से जब ट्रांसपायरेशन के जरिए लीव्स के जाइलम से पानी निकलता है तो एक सक्शन फोर्स ही प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। बिल्कुल इसी तरह से जैसा आप एक ड्रिंक पी रही हूं, बॉटल के अंदर ड्रिंक है या ग्लास में, और उसमें आपने स्ट्रा डाला हुआ है, स्ट्रा के जरिए आप ड्रिंक को पिए तो स्ट्रा के अंदर जो लिक्विड होता है, जब उसको मुंह के जरिए आप खींचते हैं ऊपर को, तो स्ट्रा के अंदर का लिक्विड आपके मुंह में जाता है, तो स्ट्रा के अंदर सक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस सक्शन की वजह से मजीद पानी स्ट्रा के अंदर आ जाता है और आप ड्रिंक को पी सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है?
Yes, sir. As the water is evaporated, more water is drawn out of the xylem to replace it. As the xylem cells form a series of continuous tubes from the leaves down the stem to the roots, ठीक है, leaves से लेकर नीचे roots तक एक continuous column बनता है, तो there is a flow of water and dissolved mineral salts from the roots to the leaves. Roots से leaves तक ये flow जो है water और mineral salts का ये continue रहता है अनब्रोकन कॉलम की सूरत में, और इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम? फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू ज़ाइलम वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ अनब्रोकन कॉलम. ठीक है, अनब्रोकन कॉलम की फॉर्म में वाटर और मिनरल साल्ट्स का जो फ्लो है ज़ाइलम के रास्ते, ये ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कहलाता है. यस, एक्सक्यूज मी सर, बड़ा पूछे सर, मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? 11:50 के ऊपर मेरी बहन की क्लास है. बड़े क्लास तो आगे नेक्स्ट 12 बजे शुरू होनी है. सर मेरी बहन की 11:50 पे है, उसके मिड मंथली. ठीक है, आप ज्वाइन करवा दें क्लास. अभी मैं वाइंड अप करने लगा हूँ, 2-3 मिनट. ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का मैंने बताया, और जो सक्शन प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं. द स्पीड ऑफ ट्रांसपिरेशन वेरीज with the condition of the plant and its surroundings. कि transpiration कितनी तेजी से होगी या कितना slow होगी, ये depend करता है plants की conditions पे. कि मतलब plants के leaves जो हैं वो broad हैं, ज्यादा surface area है उनका, stomata ज्यादा हैं, वो ज्यादा transpiration होगी. इसी तरह surrounding की conditions पे depend करता है कि अगर surrounding का temperature ज्यादा है, हवा dry है, ठीक है, ऐसी conditions की सूरत में भी transpiration ज्यादा फास्ट होगी. और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है बाहर की, तो फिर ट्रांसपिरेशन कम होगी. हवा तेज चल रही है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं सराउंडिंग के जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को. व्हेन वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड इफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर डैमेज्ड, द प्लांट स्लोस डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय विल्टिंग. सर आई वाज डिस्कनेक्टेड. यस, you were disconnected. Yes sir. Okay. मैंने आपको बताया गया यहाँ पे कि अगर शॉर्ट सप्लाई हो पानी की, कि पौधे को पानी ना मिल रहा हो, या पौधे की रूट्स डैमेज हो गई हो, ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा. कैसे कम होगा? पौधा विल्टिंग कर देता. आप देखते हैं ना कि गर्मियों के मौसम में, शदीद गर्मी का मौसम हो, तो पत्ते मुरझा जाते हैं. पौधा जो मुरझा जाता है, विल्टिंग इसको कहते हैं. तो इस मुरझाने का एक नेचुरल बेनिफिट है पौधे को, क्या, कि पौधे को पानी कम मिल रहा है और पौधे की डिहाइड्रेशन नहीं होगी, एक्सेसिव लॉस जो है वो नहीं होगा. ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है विल्टिंग से, और ये पौधे को फायदा होता है कि उसका पानी बच जाता है, वरना पौधा मर जाता, खत्म हो जाता डिहाइड्रेशन की वजह से. बट देयर आर अदर थिंग्स विच अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन रेट. आगे उन्होंने टेबल में ये चीजें शो की हुई हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं. मसलन देखें, लाइट इंटेंसिटी, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है ब्राइट सनलाइट में. उसकी रीजन क्या है? स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, वाइडर ओपन हो जाते हैं ब्राइट लाइट में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सके लीव्स के अंदर, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो सके, तेजी से हो सके. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर. ट्रांसपिरेशन हाई टेम्परेचर पे भी फास्टर होती है, इवेपोरेशन और डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, जिस वजह से ज्यादा लीव से खारिज होता है और ट्रांसपिरेशन फास्ट हो जाती है. विंड, ट्रांसपिरेशन फास्टर होती है व्हेन इट इज विंडी. विंड किसको कहते हैं? मूविंग एयर को विंड कहते हैं. हवा चल रही हो तो उसे विंड कहते हैं. जब हवा मूव कर रही होती है, तो मूविंग एयर रिमूव्स वाटर वेपर्स क्विकली अराउंड द लीव्स. जो वाटर वेपर्स इकट्ठे होते हैं स्टोमेटा से निकलकर, हवा उनको रिमूव करती रहती है, दस स्पीडिंग अप द डिफ्यूजन ऑफ मोर वाटर वेपर्स आउट ऑफ द लीव. तो ज्यादा से ज्यादा फिर और पानी के वेपर्स हैं वो बाहर निकलते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी. ट्रांसपिरेशन इज स्लोअर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हायर. ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को. अगर सराउंडिंग एयर जो लीव्स के अराउंड हवा है उसमें नमी ज्यादा हो, तो पानी थोड़ा निकलेगा, क्योंकि पहले ही बाहर पानी ज्यादा है हवा में, तो
तो इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउट ऑफ द लीफ जो है इट स्लोस डाउन इफ द लीफ इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय मॉइस्ट एयर, अगर नमी वाली हवा है पत्तों के बाहर पत्तों के आसपास तो डिफ्यूजन आउट ऑफ लीव्स स्लो होगी. इन ड्राई एयर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीफ टू द एटमॉस्फेयर रैपिड हो जाएगी, क्योंकि बाहर की हवा में अब कैपेसिटी ज्यादा हो गई है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की. ऑन अ लार्ज ट्री देयर मे बी काउंटलेस थाउजेंड्स ऑफ लीव्स फ्रॉम व्हिच वाटर इज इवेपोरेटिंग, ताकि जो बड़ा पौधा होता है उसमें बेशुमार पत्ते होते हैं. एज अ रिजल्ट क्या होगा, वाटर इज पुल्ड अप द जाइलम वेसल्स विद अ ट्रीमेंडस फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ पानी को ऊपर जो है वो पुल किया जाता है. द फोर्स इज बिग एनफ टू ड्रॉ वाटर 50 मीटर्स और मोर अप द ट्रंक्स ऑफ बिग ट्रीज, के जो बड़े पौधे होते हैं उनके तनों से 50 मीटर या इससे ज्यादा हाइट तक भी पानी जो है वो ऊपर को जा सकता है. एडेड टू दिस वाटर इज ऑल्सो पुश्ड अप द स्टेम और ट्रंक बाई द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम द रूट्स, जो कि रूट प्रेशर कहलाता है. रूट्स के अंदर जब पानी मजीद एंटर होता है जमीन से जो अब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स के जरिए, उस पानी के प्रेशर की वजह से भी पानी ऊपर को जाता है, जिसको रूट प्रेशर हम कहते हैं. ठीक है, इसे रूट प्रेशर कहते हैं. तो रूट प्रेशर के जरिए लेकिन ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता, ये जो 50 मीटर से ज्यादा हाइट तक पानी का जाना है बड़े पौधों में, ये ट्रांसपरेशन के जरिए ही जाता है, ट्रांसपरेशन पुल के जरिए जाता है पानी. ये बताया कि सम ऑफ दीज कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्रीज आर ओवर 100 मीटर्स टॉल, तो ट्रांसपरेशन फ्रॉम द लीव्स पुल्स द वाटर अप देयर ट्रंक्स, कि ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है जो इतनी ज्यादा हाइट के पौधों में पानी को जो है अपटेक करता है. तो बेटे विद दिस वी एंड आवर टू डेज लेसन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. एनी स्टूडेंट विद एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके बेटे, अल्लाह हाफिज. एक्सक्यूज मी सर. यस, हमारी क्लास में बच्चा या बच्ची के 701 के नाम से और उसका कोई और नाम नहीं लिखा हुआ, कोई गलती से जॉइन हुआ होगा, कोई मसला नहीं. अभी क्वेश्चन तो नहीं किस बच्चे का? ओके, अल्लाह हाफिज सर.